लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। लक्ष्मी सिंधु संसार सागर समुत्तर सेतु वेदांत वेद्य वैभव भक्त भोग्य श्री वेंकटाचलपते तव सुप्रभातम् श्री वेंकटाचलपते तव सुप्रभातम् टेलीफोन हम उठाएंगे। हम बड़े मालिक के पीए है यानी के पर्सनल असिस्टेंट। आज जन्मदिन है। जन्मदिन मेरा सर? मुबारक हो। बदतमीज तुम्हारा नहीं, छोटे मालिक का। ओ। शाम को 7 बजे एक शानदार पार्टी होने चाहिए, फौरन उसका इंतजाम करो और हमारे सब मिलने वालों को फोन करो। फोन कर दूं मैं सर? नहीं मैं स्टूपिड। सुनो, हम शाम के हवाई जहाज से पहुंच रहे हैं। हवाई जहाज से? क्या कहा, हम नहीं जा सकते? What do you mean? आज हमारे बेटे का जन्मदिन है और आज के दिन हम दुनिया के किसी भी कोने में हो घर जरूर पहुंचते। I'm sorry sir, आज की फ्लाइट में एक भी सीट खाली नहीं है। अगर सीट खाली नहीं तो चार्टर अ प्लेन। क्या निकल पड़े? थैंक यू। अरे बड़े मालिक आ रहे हैं, छोटे मालिक कहाँ है? सर ऊपर तो नहीं है, उस कमरे में भी नहीं है सर, बगीचे में भी नहीं है। तो फिर कहाँ है? मस्ती
जवानी में कर लो प्यार, हो कर लो प्यार, हो कर लो प्यार जवानी में, ये काम जरूरी है, वरना जिंदगानी की तस्वीर अधूरी है। ए, कर लो प्यार जवानी में, ये काम जरूरी है, वरना जिंदगानी की तस्वीर अधूरी है। ये हंसी महफिलें मिलेंगी फिर कहां, ओ मैं वहां हूं जहां है मस्तियां शोखियां जवानी में, मजा जवानी का यादो न दिया जवानी में, तो सोचो आखिर हमने क्या किया जवानी में। प्यार बिना किस तरह बीतेंगे दिन जवान, ओ मैं वहां हूं जहां है मस्तियां शोखियां बिजलियां। लगाए हमारे नाम को, मेहमान डेढ़ घंटे तक तुम्हारा इंतजार करते रहे, और तुम, अब हमें पूरा यकीन हो गया है कि तुम अपने आप नहीं सुधरोगे, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। आज से तुम्हारा अपने दोस्तों से मिलना जुलना बंद। कल तुम कश्मीर जा रहे हो, वहां क्या ऑफिस की देखभाल करोगे? लेकिन डैड मैं, हम कुछ सुनना नहीं चाहते। उस काम की तुम्हें समझ नहीं तो वहां का मैनेजर तुम्हें समझाएगा। अब दूर हो जाओ हमारी नजरों से। छोटे मालिक, अगर आपको एतराज ना हो तो मैं एक सवाल पूछूं। अगर सवाल पूछे बगैर खाना हजम नहीं होता तो पूछो। वो आपके साथ वो जो लड़की, वो जो क्या, वो जो लड़की थी वो, हाँ उसका नाम वो जो नहीं, उसका नाम है पटाखी। जब दो प्रेमी आमने सामने बैठे हो तो ख्यालों की करंट इस दिमाग से उस दिमाग में, उस दिमाग से इस दिमाग में, उसके बाद उनके दिमाग गर्म हो जाते हैं। उसके बाद उनके दिमागों की गर्मी उन्हें एक दूसरे के करीब खींचती है। उसके बाद, उसके बाद तो बात यहां तक आ पहुंची है। फिर अब फिर वो दोनों प्रेम की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते, अब मैं आपको आगे क्या बताऊं बड़े मालिक।
अब कौन सी सीढ़ी पर हैं? कौन सी सीढ़ी पे? अब कोई सीढ़ी नहीं, आप तो चोटी पे पहुंच गए। वो चोटी पर पहुंच गए और तुम क्या करते रहे? क्या करता रहा? मैं क्या कर सकता हूँ बड़े मालिक, मैं नीचे खड़ा नोट करता रहा कि कब कौन सी सीढ़ी पे चढ़ते हैं। आई सी। टोपी? टोपी जी, उस लड़की ने छोटे मालिक पे टोपी डाल दी। जब वो टोपी डाल रही थी तो तुम क्या कर रहे थे? क्या कर रहा था जी, मैंने भी एक टोपी लेके अपने सर पे डाली। स्टूपिड, इसका मतलब है अब ये मामला तुमसे नहीं संभलेगा। तुम्हारे छोटे मालिक है वहां पर? है वहां पर जी? नहीं है जी। जी रुके जी, आ गए। एक मिनट, बड़े मालिक का फोन है। डैड, आप ठीक ठाक है ना डैड? हम तो ठीक हैं बेटा, लेकिन तुम अभी तक ठीक नहीं हुए। आप क्या कह रहे हैं डैड? बको मत, हम सब जानते हैं तुम वहां क्या क्या हरकतें कर रहे हो। कौन है वो लड़की? लड़की? कौन सी लड़की डैड? वही पटाखी। पट पट, चुप क्यों हो, बोलते क्यों नहीं? बेशरम, हंस क्यों रहे हो? डैड, बात ही हंसने की है। आप खुद ही सोचिए, क्या किसी लड़की का नाम पटपट हो सकता है? आपके पीए श्री सेवक राम का दावा था कि वो आपको मेरे बारे में कुछ भी बोले आप उनकी बात का यकीन कर लेंगे, लेकिन मैंने कहा मेरे पिताजी कान के कच्चे नहीं है, सो हमारी हजार हजार रुपए की शर्त लग गई। अब आपने उनकी बात का इजहार कर लिया, सो मेरे हजार रुपए गए। तुम सच कह रहे हो? हाँ डैड, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अगर आपको यकीन नहीं आता तो अपने पीए श्री सेवकराम से पूछ कर देख लीजिए। फोन दो उस बदतमीज को। जी बड़े मालिक। हमें सीधी तरह बताओ कि जो कुछ तुमने हमसे कहा वो एक मनगढ़ंत कहानी थी ना? जी बड़े मालिक। तुम्हारी जबान लड़खड़ा क्यों रही है? देखो सेवकराम, हमें सच सच बताओ, वरना वरना क्या? तुम्हारा सर तोड़ देंगे, तुम्हारी गर्दन काट देंगे। गर्दन कट रही है जी? जी 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 जी, वो एक मनगढ़ंत कहानी थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम अपनी औकात भूल गए? आइंदा कभी ऐसी हरकत की तो हम तुम्हारी जुबान खींच लेंगे उल्लू। अब फोन रख दीजिए सेवकराम जी। छोटे मालिक, आपने बेवजह मुझे गालियों का निशाना बनवाया। गालियां अगर आपको नहीं पड़ती तो मुझे पड़ती। लगे हाथों एक छोटी सी नसीहत दे दूं, दो बड़े आदमियों की लड़ाई में कोई छोटा आदमी बीच में आएगा तो सीधा ऊपर जाएगा। चमक छल्लो, दो दिन की है जिंदगानी। ओ मेरी चमक छल्लो, दो दिन की है जिंदगानी। तू प्यार मुझे कर ऐसे, मैं लिख दूं प्रेम कहानी।
का शौक मुझे है, लिखता हूँ दिल की बातें। लिखने का शौक मुझे है, लिखता हूँ दिल की बातें। थोड़ी सी दिन की बातें, थोड़ी रातों की बातें। दिल जो कहता है उसको आंखों से मैं कहता हूँ। दिल जो कहता है उसको आंखों से मैं कहता हूँ। दिल की हालत को समझो, रुत है कितनी मर्दानी। सचमुच मैं बेअसर था, नजरों में तुम ही तुम थे, मौसम से बेखबर था। अब तो कुछ खैर खबर लो, सुन लो घनघोर अंधेरी, मंजिल पे आके भटकी मेरी यौवन की गाड़ी। करते हो क्यों नादानी, सोचो बातें मर्दानी। करते हो क्यों नादानी, सोचो बातें मर्दानी। मौका है मौज मना लो, किसकी रही जवानी। ओ मेरी चमक छल्लो, ओ मेरी चमक छल्लो, दो दिन की है जिंदगानी। तू प्यार मुझे कर ऐसे, मैं लिख दूं प्रेम कहानी। ओ मेरे राम लुभाया, ओ मेरे राम लुभाया, क्या लिखने प्रेम कहानी। मौका है मौज मना लो, कब किसकी रही जवानी। ओ मेरी चमक छल्लो। तुम्हारी कोई बात सुनना नहीं चाहते। कोई बात नहीं सुनना चाहते? आप मुझे एक मौका और दीजिए, और अगर आपको मुझ पे एतबार नहीं तो आप यहाँ आके अपनी आंखों से खुद देख लीजिए, और अगर मैं झूठा साबित हुआ तो आप मेरा गला नहीं, आप मेरा सर फोड़ सकते हैं। ऑलराइट, हम कल आ रहे हैं। बड़े वाले कुछ गड़बड़ है। क्यों रही थी जनाब? ये कमरे में रात को इसको लाया। कौन लाया? हाँ जनाब, ये लाया। हाँ, और ताला भी बंद किया। देना था 50, दिया 25, इसलिए वो देता गाली। किसको गाली देता? तुमको। हाँ तुमको। हमको क्यों गाली देता? रात तुम इसको अंदर लाया। हम लाया। हाँ ये लाया। चुप बैठ बड़े वाले। दादा हमें एक चांस और दो, ये दिखाने के लिए हमें कश्मीर बुलाया। लेकिन बड़े वाले कुछ गड़बड़ है। हम कहते हैं खामोश हो, हम पहले भी तुम्हारी बहुत शिकायतें सुन चुके हैं, अब ये देखने के बाद तुम्हारी शक्ल देखना नहीं चाहते।
दूर हो जाओ हमारी आंखों से। बड़े मालिक, मैंने कहा दफा हो जाओ। बड़े मालिक कहते हैं दफा हो जाओ, दफा हो जाओ। बड़े मालिक। उस दिन सेवक राम को बुद्धू बनाया और आज डैडी को चकमा दे दी। यू मीन उनको हमारे बारे में कुछ भी नहीं मालूम? अरे उन्हें उस वक्त पता चलेगा जब शादी के कार्ड छप जाएंगे। इतनी जल्दी भी क्या है बरखुरदार? डैडी, तुम अपने आप को बहुत चालाक समझते हो, लेकिन हम भी तुम्हारे बाप हैं, तुम्हारी सब चालें समझते हैं। उस दिन जब तुमने सेवक राम को टेलीफोन पर फंसाया था, हमारा माता उसी वक्त ठनका था, और आज जब तुमने हाउसबोट में अपना कामयाब ड्रामा किया, वो भी हम समझ गए। इसीलिए हमने बंबई जाने का बहाना किया ताकि हम देख सकें कि हमारा लाडला क्या कर रहा है। डैडी, बात यह है कि वो शट अप। अब हम तुम्हें एक मिनट भी यहां रहने नहीं देंगे, आओ हमारे साथ। हेलो, यू शेमलेस फेलो, तुझे शर्म नहीं है मुझे अकेले छोड़ के चला आया? कौन? डैम इट, अब मेरी आवाज भी नहीं पहचान रहा। मैं मन्नू बोल रही हूँ, मन्नू। बोल। मत बोलो बोलो। मैं तेरे लिए कश्मीर गई और उस बुड्ढे ने कहा चलो, फट से मुंह घुमा के चला गया, एक बार पलट के भी नहीं देखा मेरी तरफ। और अब टूटे मुझसे ये भी नहीं पूछ रहा मैं कश्मीर से कब आई। कब? हाँ हाँ, तुझे क्या, आज सुबह आई हूँ मैं, तुझसे बात नहीं करूंगी। सुन रहा है ना मेरी बात? यू होपलेस, तेरे मुझसे बात क्यों नहीं निकल रही? क्या बात है, डर क्यों रहा है? वो बुड्ढा अभी तक तेरे आसपास है क्या? ये बुड्ढे खुसर ना खुद प्यार करते हैं ना हमें प्यार करने देते हैं। सुन, तू पार्क में आके मुझसे मिल, आज मैं तेरी ऐसी खबर लूंगी कि तू याद रखेगा। सुन रहा है ना? ये ऊ क्या लगा रखा है? क्या अभी तक तेरा ओल्ड मैन तेरे सर पे कबूतर की तरह बैठा है? ओ गॉड, तू वहां चल के मेरा इंतजार कर। कौन सा पार्क? ये भी भूल गया, लेक पार्क। ओके। अपने बूढ़े खुसर से इतना घबराता है तो मुझसे शादी क्या करेगा? बोल ना डार्लिंग। आप? हम बूढ़ा खुसट कबूतर ओल्ड मैन। पिताजी शट अप। हम तुम्हारे पिता कब से हो गए? आपका बेटा मुझे चाहता है, आप उसके पिता हैं, समझ गए ना? बातों में काफी तेज हो। थैंक यू। हमारे बेटे और तुम्हारा मामला कब से चल रहा है? 3 years, 3 साल से। 3 साल? या बात कहां तक बढ़ चुकी है? अप टू मैरिज, शादी तक। शादी? या हमारा बेटा तुमसे शादी करेगा? और किससे करेगा, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। झूठ, तुम रवि से प्यार नहीं करती बल्कि उसकी दौलत से प्यार करती हो। नॉनसेंस, मेरे पास भी बहुत दौलत है लेकिन मैं रवि से इसलिए प्यार करती हूँ क्योंकि उसके पास प्यार भरा दिल है और दिल से बढ़कर दिमाग है। रवि के पास दिल और दिमाग, कोई शक है? अगर उसके पास दिल और दिमाग होते तो अपने बाप की पीठ पीछे चोरों की तरह छिप छिप के ये हरकतें ना करता। जो आदमी अपने बाप को धोखा दे सकता है वो एक न एक दिन तुम्हें धोखा क्यों नहीं दे सकता? ऐसा कभी नहीं हो सकता,
ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, मगर तुम हमारी बहू कभी नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती, मुझमें क्या कमी है? सब कुछ है, पर एक चीज की कमी है, लाज। जो लड़की कश्मीर के हाउस बोट में, बागों में, होटलों में इश्क लड़ाती फिरे, वो हमारी बहू नहीं बन सकती, कभी नहीं। आप जैसे बुजुर्ग जब हर जगह कबाब में हड्डी बनने की कोशिश करें, तो हम नौजवान क्या कर सकते हैं? आखिर कहीं ना कहीं तो मिलेंगे। तुम्हारा मतलब तुम लोग हमसे चोरी छुपे शादी भी कर सकते हो? आप नहीं मानेंगे तो यही करना पड़ेगा। देखते हैं हमारा बेटा कैसे हमारी मर्जी के खिलाफ तुमसे शादी करता है। आप क्या समझते हैं, वो दूध पीता बच्चा है जो आपके हर इशारे पे नाचता रहेगा? उसे हमारा हुक्म मानना पड़ेगा। आई एम हिज फादर। फादर तो क्या, उसका गॉड फादर भी ये शादी नहीं रोक सकता। तुम हमें चैलेंज दे रही हो? जी नहीं, चैलेंज का जवाब दे रही हूँ। हाँ डैडी, आपने मेरी शर्ट और पैंट पहन ली। वंडरफुल, फैंटास्टिक। आप ऐसे लग रहे हैं जैसे जेम्स बॉन्ड 007। चढ़ा, हमें ये बेहुदा मजाक पसंद नहीं। मजाक नहीं तो और क्या डैडी, कहाँ से आ रहे हैं आप? पार्क से। पार्क? पार्क और इस ड्रेस में? किसी से मिलने गए थे क्या? हाँ, किसी से मिलने, उससे मिले, बात की और उसने हमें चैलेंज दिया है। चैलेंज? किसने डैडी? एक लड़की ने। किसी लड़की की इतनी हिम्मत कि आपको चैलेंज दे? हाँ हाँ, अब ये हमारी इज्जत का सवाल है। उसने चैलेंज दिया कि वो हमारी मर्जी के खिलाफ तुमसे शादी करके दी, और हमने भी ये चैलेंज दिया कि हमारा बेटा हमारी मर्जी के खिलाफ कभी शादी नहीं करेगा। ठीक किया आपने, आपका चैलेंज मेरा चैलेंज। बाय द वे, कौन है लड़की? है एक बदतमीज और जिद्दी लड़की। एक बात तुम हमें साफ साफ बता, क्या तुम हमारी इजाजत के बिना शादी करोगे? क्या बात कर रहे हैं डैडी, सवाल ही नहीं पैदा होता, कभी नहीं कर सकता। तुम अपना कहा करके दिखाओगे? अपना कहा नहीं डैडी, मैं आपका कहा करके दिखाऊंगा। थैंक यू सन। वो लड़की जहां कहीं भी है तुम उसे फौरन फोन करके कह दो। लेकिन वो लड़की है कौन? और कौन, वही कश्मीर वाली पटाखी। डैडी क्या हुआ? मैं उस लड़की से प्यार करता हूं डैडी। ऐसा प्यार पानी का बुलबुला है जो सदा नहीं रहता, इसीलिए हम चाहते हैं बेटा किसी अच्छे घराने में से अच्छी सी लड़की चुने और तुम्हारी शादी करते हैं। डैडी वो बहुत अच्छी लड़की है और अच्छे घराने से भी है। बको मत, तुम उस लड़की को भूलना चाहते हो या नहीं? अगर तुम उस लड़की को नहीं छोड़ सकते तो तुम्हें हमें छोड़ना होगा। हमें छोड़ने का मतलब यह नहीं कि तुम्हें इस घर को छोड़कर जाना पड़ेगा। हम इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। डैडी सोच रही थी, अभी जो आपने बेटी से कहा
ठीक कहा। आप क्या सचमुच वैसे ही करने वाले हैं, मगर आपने भी तो मुझसे प्यार किया था, फिर उनके प्यार पे इतराज क्यों, बोलिए ना। ऐतराज नहीं शांति, हम उन दोनों का इम्तिहान ले रहे थे, हम ये देखना चाहते थे वो एक दूसरे की खातिर दुनिया का कहां तक मुकाबला कर सकते हैं। हमें अच्छी तरह याद है हमारी खातिर तुमने कितनी बड़ी कुर्बानी दी थी, माँ बाप के घर का सुख, उनकी दौलत, सब कुछ ठुकरा कर हमारे साथ चली आई। शांति जी, माँ। अरे वो जमींदार उमाकांत का बेटा चंद्रकांत यहाँ आ रहा है। चंद्रकांत? ओहो, तुम्हारा दिमाग है ये पत्थर, हर बात भूल जाती हो। अरे ये वही लड़का है जिसके बारे में हम अपनी बिटिया के लिए सोच रहे थे, वो यहाँ आ रहा है नौकरी की तलाश में। उसे नौकरी की क्या जरूरत है? लो, अरे तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ फिर भूल जाती हो। वो लड़का आम लड़कों जैसा नहीं है, वो अपने माँ बाप की दौलत का मोहताज बनना नहीं चाहता, खुद कुछ करके दिखाना चाहता है, इसलिए वो शहर में नौकरी ढूंढने आ रहा है। अच्छा 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 अच्छा, हम मत भूलना। अरे गाड़ी का टाइम तो होने वाला है। मुरारी जी साहब। ए, तुम रेलवे स्टेशन जाओ। ए, कहाँ जा रहे हो? रेलवे स्टेशन। अरे ये तो पूछा नहीं किस लिए। आपने बताया नहीं। जीटी एक्सप्रेस आने वाली है जी, उसमें हमारे टेलीफोन के नंबर का कंपार्टमेंट जी, उसमें से मेरे सूट के रंग के ड्रेस वाला एक खूबसूरत नौजवान उतरेगा जी। समझे? बिल्कुल समझ गया साहब। क्या समझ? हमारे टेलीफोन के रंग का कंपार्टमेंट और आपके सूट के रंग का नंबर, सब समझे? इडियट। जी हाँ। बुद्धू। जी हाँ। टेलीफोन का नंबर क्या है? 35157। कंपार्टमेंट जी। मेरे सूट का रंग क्या है? काला। काला। उसका नाम है चंद्रकांत। चंद्रकांत। लेकिन सुनो, वो आ रहा है यहाँ नौकरी की तलाश। नौकरी की तलाश में? हाँ, उस पर जाहिर ना होने देना कि तुम उसे पहचानते हो जी। फिर जरा चालाकी से बहलाकर फुसलाकर तुम उस पर जाहिर करना कि तुम उसे नौकरी दिलवा सकते हो। मैं? हाँ, वो तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। मेरा? हाँ, फिर तुम उसे घर में ले आना। जरूर ले आऊंगा साहब। अब मेरा मुंह खड़े कर देख रहे हो, जाओ ना। तुम कहाँ चली? मैंने उसे जाने के लिए कहा है। ए, सुनो, एक बात याद रहे, जब वो लड़का इस घर में आए तो उसे ये नहीं मालूम होना चाहिए कि हम जानते हैं कि जमींदार उमाकांत का बेटा है। क्या समझे? कि वो जमींदार उमाकांत का बेटा चंद्रकांत है। कितनी भोली भाली है तुम। साहब वो आ गए। आ गया जी। शांति की माँ, शांति की माँ। अरे वो चंद्रकांत आ गया। कौन चंद्रकांत? फिर भूल गई। अरे वो जमींदार का बेटा। हाँ? सुनो, वो जब मुझसे नौकरी मांगेगा तो मैं साफ जवाब दे दूंगा, मैं नहीं दे सकता। और तुम जैसे उस पर तरस खाकर कहना बेचारे को दे दीजिए ना। कैसे कहोगी? बेचारे को दे दीजिए ना। करेक्ट। शांति बेटे, शांति जी। शांति तुम यही रहना, यहाँ से तुम लड़के को अच्छी तरह देख सकते। जब मैं तुम्हें चाय लाने के लिए बोलू ना तो तुम चाय खुद लेकर आना, जरा मुस्कुरा कर। कैसे साहब? यह है वो नौजवान जिसका मैंने जिक्र किया था। नमस्ते। बेचारा बहुत तकलीफ में है। नौकरी की ना? ठीक है ठीक है, बैठो बैठो, तुम भी बैठो। कहाँ तक पढ़े हो? बेचारे को दे दीजिए ना। कहाँ तक पढ़े हो? जी मैंने इंजीनियरिंग पास की है। इसमें क्या खास बात है? हजारों इंजीनियर हैं, बेकार बैठे हैं, धक्के खाते फिरते हैं। बेचारे को दे दीजिए ना। जी मैं बहुत उम्मीद लेकर आया था कि आप मेरी मदद करेंगे। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें कोई नौकरी नहीं दे सकता। आप चाहें तो आप चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। अरे भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। आप एक मौका देकर तो देखिए। ओहो, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बेचारे को दे दीजिए ना। ओके, नौकरी दे दी,
क्योंकि मेरी बीवी ने बहुत जोर की सिफारिश की। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुरारी जी, कल इस नौजवान को हमारे ऑफिस में ले आना। बेचारे को दे दीजिए ना। अरे भाई दे दी, अब दे दीजिए कहने की क्या जरूरत है, नौकरी देनी थी दे दी, बात खत्म। दरअसल मेरी बीवी बहुत नरम दिल, जब भी कोई सवारी दरवाजे पे आता है तो बस मेरे पीछे पड़ जाती है, दे दीजिए ना। शांति बेटे चाय लेकर आ जाओ। शांति क्यों, मैं लेके आती हूँ। अरे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी तबीयत कब ना करो ना, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। शांति बेटे चाय ले आओ। हाँ ले आई ले आई ले आई। मेरी बेटी है शांति, दे दो दे दो दे दो दे दो। शाबाश बेटे, अब तुम भी आ बैठ। बेटे इसका नाम है चंद्रकांत जी। आपको मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? बुराई ने बताया। मैंने नहीं बताया सब। अरे बताया था ना, बता क्या भूल गए? चाय कैसी लगी जी? बहुत अच्छी। अरे अच्छी कैसे नहीं होगी, मेरी बेटी ने खुद अपने हाथों से बनाई है और इस तार बहुत अच्छा बजाती है, सुनकर दंग रह जाओगे। हाँ जी, अब मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू। अच्छा कैसा लगा लड़का? बेचारे को दे दीजिए ना जी। हाँ बेटी तुम बताओ तुम्हें कैसा लगा? अब इस लव स्टोरी का सीन नंबर वन तो ठीक हो गया, अब सीन नंबर टू। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स की कोई जरूरत नहीं, तुम जैसे होनहार नौजवान की मदद करना तुम्हारा फर्ज है, जाके मैनेजर से मिल लो, वो तुम्हें सारा काम समझा देगा। सुनो जी, रहते कहाँ हो? जी रहने के लिए जगह ढूंढ रहा हूँ। जगह मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। चलो हम तुम्हारी मुश्किल भी आसान किए देते हैं, हमारे बंगले के साथ एक आउट हाउस, तुम उसमें रह सकते। थैंक यू। आइए। पिताजी ने कहा है कि आज रात का खाना आप हमारे साथ खाएंगे। क्यों, कोई खास बात है? खास बात ये है कि आप हमारे साथ खाना खाएंगे। तंदूरी चिकन, चिकन पुलाव, चिकन करी, वेरी गुड। देखो लड़का पहली बार हमारे घर खाना खाने आ रहा है, उसको ऐसा महसूस होना चाहिए कि उसका अपना ही घर है। सुनो तुम बीच बीच में उससे पूछती रहना, ये खाओ ना ये खाओ ना ये खाओ ना, क्या ये खाओ ना ये खाओ ना ये खाओ ना। करेक्ट। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते, आओ बेटा बैठो 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 बैठो, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। आप लोग मेरी वजह से बहुत तकलीफ उठा रहे हैं। मेरी बीवी कह रही थी कि चंद्रकांत बेचारा होटल में खाना खा के अपनी सेहत बर्बाद कर लेगा, कह रही थी ना। ये खाओ ना। हाँ खाओ खाओ, चख के देखो कैसा है। अच्छा है ना जी? अरे अच्छा तो होगा ही, मेरी बेटी ने खुद अपने हाथों से बनाया है, बहुत अच्छा खाना बनाती है, जो भी इससे शादी करेगा जिंदगी भर सुखी रहेगा। क्यों पार्वती? ये खाओ ना। हाँ खाओ खाओ। अरे भाई मेरा तो जिंदगी में एक उसूल है, ये खाओ ना। मेरा तो जिंदगी में एक उसूल है, ये खाओ ना। आप अपने उसूल के बारे में कुछ कह रहे थे। हाँ मेरा जिंदगी में जी कहिए। मेरा मतलब है कि कुछ लोगों से पहली बार मिलकर एक अपनापन सा महसूस होता है, ऐसा लगता है जैसे बरसों की मुलाकात, बस तुम्हें मिलकर भी ऐसा ही महसूस हुआ। देखो बेटे अब तुम अपने हो गए, ये घर तुम्हारा अपना है, सुबह शाम खाना तुम यहीं खाया। शुक्रिया, ऐसा लगता है मेरा आपके साथ पिछले जन्म में कोई ना कोई रिश्ता जरूर होगा। अरे सिर्फ पिछले जन्म में क्यों, इस जन्म में क्यों नहीं, अब तो जन्म जन्म का रिश्ता है। क्यों पार्वती? ये खाओ ना। अब तो मेरा सिर मत खा। दरअसल मेरी बीवी इतनी अच्छी है कि जब भी घर में कोई खाना खाने आता है बस पीछे ही पड़ जाती है, ये खाओ ना ये खाओ ना ये खाओ ना। अब तुम भी बैठ जाओ, तुम भी खाओ, कुछ हमें भी खिलाओ। हाँ खा खाओ बेटे, तुम भी खाओ ना। हाँ ला 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 ला, ये खाओ ना। आपके पिताजी सच में देवता है, आजकल छोटी से छोटी नौकरी के लिए इंसान को कितने धक्के खाने पड़ते हैं। आपके पिताजी ने न सिर्फ मुझे इतनी अच्छी नौकरी दी बल्कि बिना मांगे रहने की जगह भी थी। भला आजकल ऐसे देवता समान इंसान कहाँ मिलते हैं। तो आप भी बिल्कुल मेरी तरह हैं। मतलब?
मतलब बुद्धू। बुद्धू? क्यों? मेरे पिताजी कभी किसी के लिए इतना नहीं करते जितना आपके लिए किया है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आप जमींदार उमाकांत जी के बेटे हैं। जमींदार उमाकांत? वो कौन है? आपके पिताजी। मेरे पिताजी? देखिए, आप लाख छुपाने की कोशिश करें लेकिन मेरे पिताजी आपके बारे में सब कुछ जानते हैं और वो चाहते हैं कि हम दोनों की मैं किसी उमाकांत को नहीं जानता। आप सच कह रहे हैं? मुझे अपनी कसम, मैं सच कह रहा हूं। फिर ये सब हुआ कैसे? जैसे ही मैं ट्रेन से उतरा, इत्तेफाक से मुरारी जी से मेरी मुलाकात हो गई। उन्होंने कहा वो मुझे नौकरी दिलवा देंगे, बस मैं यहाँ आ गया। मुझे अभी जाकर आपके पिताजी से सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। नहीं, क्यों? वो आपको निकाल देंगे। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। मुझे परवाह है। और ना डरा तू मुझको,
भवन। अंकल इनसे मिले मिस्टर चंद्रकांत जमींदार उमाकांत के बेटे। जमींदार उमाकांत का बेटा? ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। लेकिन वो तो आ चुका है। आ चुका है? हाँ, मैं उसे नौकरी दे चुका हूँ, अपने बेटे के साथ उसकी शादी पक्की कर चुका हूँ। वो कोई जरूर धोखेबाज है अंकल, चंद्रकांत तो ये है। उस दिन तुमने मुझे टेलीफोन किया था? हाँ टेलीफोन किया था अंकल, लेकिन उसने ये गाड़ी नहीं पकड़ सकी। सबसे बता क्या नाम है तेरा? जी मैं पूछता हूँ क्या नाम है तेरा? चंद्रकांत। चंद्रकांत, जमींदार उमाकांत का बेटा है ना तू? जी नहीं। तो फिर तू चंद्रकांत कैसे हो सकता है? ये तो अच्छा हुआ कि मेरा भतीजा झोल की छोर आ गया, वरना तू तो चालाकी से मेरी बेटी से शादी कर लेता। धोखेबाज। मैंने किसी को कोई धोखा नहीं। शट अप, पुरानी इधर आओ। जी साहब। कौन है लोफर, किसे कहां से लेकर आए हो? रेलवे स्टेशन से। साहब आप ही ने तो कहा था कि आपके टेलीफोन के नंबर। कठे, ये वो चंद्रकांत नहीं है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। वो चंद्रकांत ये है, इसकी जगह ये धोखा देकर आ गया। जाओ पुलिस को बुला के लाओ। पिताजी। बेटे, ये हमें धोखा देकर इस घर में आया है और तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसाया। माफ कीजिए मिस्टर प्रभुदास, मैं अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आया, यह आप ही की चाल थी कि मुझे यहाँ लाया गया। मुझे नौकरी दी गई, मुझे इस घर में रहने को जगह मिली, यह भी आप ही की चाल थी कि हम दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। गलती सरासर आपकी है, आप अपनी गलती की सजा मुझे नहीं दे सकते। गलती मेरी जरूर थी, लेकिन कि तुम्हारा ये फर्ज नहीं था कि तुम अपने बारे में सच सच बता देते। इन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया था। तुम्हें सब कुछ मालूम था, फिर भी जानबूझकर मुझे बेवकूफ बनाती रही। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, जरूर इसने तुम्हें बहकाया होगा। नहीं पिताजी। तुम खड़े खड़े मेरा मुंह का देख रहे हो, तुम आ जाओ यहाँ से। नहीं, 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 नहीं।
अरे ले जाओ अंदर। चलो बेटी चलो। दरबान से कहो इस बेरूपिया को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दे। अच्छा जी। अरे चंद्रकांत बेटे तुम अभी तक खड़े हो? पार्वती शांति से कहो चाय लेकर आए चंद्रकांत जी के लिए। आओ बेटे बैठो, आओ बैठो। उमाकांत जी कैसे हैं? वो तो बिल्कुल ठीक है। और तुम क्या कर रहे हो? काम ढूंढ रहा हूं। अरे तुम काम ढूंढ रहे हो, तुम्हें काम की क्या जरूरत है? तुम चाय लेकर आई हो। शांति कहां? उन्होंने कहा है वो नहीं आ सकती। नहीं आ सकती? रो मत बेटी रो। शांति तुम चाय लेकर क्यों नहीं आई? इस काम के लिए घर में नौकर है। अरे वो जमींदार उमाकांत का बेटा है। कोई भी हो मुझे क्या, तुम्हारा होने वाला पति है। उसी ने फोन को लाए थे और उसी ने आपने यही कहा था। वो मेरी भूल थी, अब तुम्हारी शादी इस लड़के के साथ होगी। कल आप कहेंगे ये नहीं और कोई, अब जिस किसी को पकड़ के ले आएंगे मैं क्या उनके आगे अपनी नुमाइश करते रहूंगी? आपको तो ना कोई शर्म है ना लाज, लेकिन मुझे है। शांति प्यार बाग में उगा हुआ फूल नहीं है पिताजी, जिसे बाग में आने वाला हर कोई सुन सकता है। औरत जिंदगी में एक ही बार प्यार करती है। तुम आखिर कहना क्या चाहती? अगर मैं शादी करूंगी तो उन्हीं से करूंगी। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आंखें खोलकर देखो कि तुम क्या हो और वो क्या है। तुम महलों में रहने वाली और उस सड़क का भिखारी। इस दुनिया का यही रिवाज है कि सिर्फ अमीर ही अमीर के साथ शादी कर सकता है। और गरीब? गरीब के साथ ये लीजिए, मैंने साइन कर दिया है और आप इसमें लिख लीजिए आपकी जायदाद और दौलत में से मुझे एक पैसा नहीं चाहिए। शांति ये क्या कर रही हो? माँ अभी इन्होंने कहा ना अमीर अमीर से और गरीब गरीब से शादी करता है, अब मैं गरीब हो गई हूँ और उस गरीब से शादी कर सकती हूँ। सुना है आपके पास किराए के लिए जगह खाली है? हाँ है, कुछ नहीं एक कमरा है, किचन काफी है हमारे। आपका नाम? चंद्रकांत। यह है मेरी बीवी शांति। नमस्ते, आप काम क्या करते हैं? जी पहले रहने को हो जाए तो फिर काम की तलाश करूंगा। अरे वाह साहब, लोग पहले काम ढूंढते हैं उसके बाद मकान और फिर शादी करते हैं, आप तो उल्टी गाड़ी चला रहे हैं। हमारी कुछ मजबूरी है। मैं भी मजबूर हूँ, आप कहीं और कोशिश कीजिए। सुनिए देखिए, हम इस शहर में बिल्कुल नए हैं, किसी को नहीं जानते। आप मुझे जानते हैं? अरे भाई मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, माफ कीजिए किरायेदार ऐसे नहीं रखा जाता। बहन जी। जी बहन जी, आप हमारी सहायता कीजिए, हम लोगों ने अपनी मर्जी से शादी की है इसलिए हमारे माँ बाप खुश नहीं है और हम शहर छोड़कर आए। प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। देखिए मैं एक क्वालिफाइड इंजीनियर हूँ, अगर महीने भर रहने का सहारा मिल जाए तो मुझे कहीं ना कहीं नौकरी जरूर मिल जाएगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम आपका किराया महीने के महीने बराबर चुका देंगे। हाँ लेकिन आप थोड़ी सी सिफारिश करते हैं, आप बोलेंगे तो जरूर मान जाएंगे। बोलिए ना। अच्छा तो आपको ये मालूम है कि जो काम कहीं से ना बने वो होम डिपार्टमेंट के जरिए करवाया जा सकता है। चलिए साहब हम मान गए। शादी के बाद आज हमारी पहली रात। फूल चलेगा। कहिए साहब आज का इंटरव्यू कैसा रहा? एक सिफारिश वाला उम्मीदवार था, नौकरी उसे दे दी गई। आप एक काम कीजिए, माइकल इंजीनियरिंग वर्क्स में एक जगह खाली, वहां ट्राई कीजिए। Thank you.
क्या बात है जी, बहुत देर कर दी। उदास क्यों है? काम नहीं बना इसलिए? मिल जाएगी नौकरी, चिंता क्यों करते हैं? आइए खाना खा लीजिए, आइए ना। से खाना भी नहीं खिला सकता, ये चार दाने चावल के और चावल की कंजी, मुझे मुझे माफ कर दो शांति। कौन कहता है ये चार दाने चावल और चावल की कंजी है? ये देखो ना, ये तरी वाली सब्जी, ये सूखी सब्जी, ये है दाल, ये है रायता, ये खीर और ये सोने की बनी हुई थाली जिसमें तरह तरह के मजेदार खाने हैं, है ना? तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है।
ये धागा बांधिए। ये धागा कैसा? बांधिए तो बताती हूँ। ये धागा माता महालक्ष्मी का वरदान है। आज मैंने देवी माँ का व्रत रखा है। तुम दिन भर कुछ नहीं करोगी? नहीं, रात को व्रत खोलूंगी तारा देखने के बाद। लेकिन तारा मैं तब देखूंगी जब मेरा चांदाकर मुझे कहेगा कि नौकरी मिल गई। लेकिन अगर मुझे नौकरी नहीं मिली तो फिर मेरा व्रत मैंने देवी माँ से कह दिया है। वो जब तक आपको नौकरी नहीं दिलाएगी मैं व्रत नहीं खोलूंगी, पानी की एक बूंद तक नहीं पीऊंगी। आई एम सॉरी मिस्टर चंद्रकांत, एक उम्मीदवार बहुत बड़ी सिफारिश लेकर आया था, नौकरी उसे दे दी गई। मैंने देवी माँ से कह दिया है वो जब तक आपको नौकरी नहीं दिलाएगी मैं व्रत नहीं खोलूंगी, पानी की एक बूंद तक नहीं पीऊंगी। माता महालक्ष्मी तेरी सदा ही जय। मुझे पूरा विश्वास है आज उन्हें नौकरी जरूर मिल जाएगी। आप आगे आइए साहब, आप भी धागा खोल लीजिए। नौकरी मिल गई ना? हाँ मिल गई। सुनो बहन जी, इंजीनियर की नौकरी मिल गई। जय माता की। देवी माँ ने मेरी प्रार्थना सुन ली। तुम धन्य हो देवी माँ, तुम्हारे आशीर्वाद से आज मेरे पति को नौकरी मिली है। जय माता की। इस खुशी में बहन जी कोई दावत वावत होनी चाहिए। भाई साहब, अगले महीने तनख्वाह आने पर मैं आपकी शानदार दावत करूंगी, आपका सारा किराया भी चुका दूंगी। आपने हमारी इतनी सहायता की है। जय माता की। अरे शांति, श्यामा तू एकदम सिंपल हो गई, तू यहाँ कैसे? मैं आजकल यही रहती हूँ, मेरी शादी भी हो चुकी है। शादी हो गई? हमें बताया तक नहीं। बात ही कुछ ऐसी थी। तुम्हारे पति क्या काम करते हैं? वो यहाँ बहुत बड़ी फैक्ट्री में इंजीनियर है। इंजीनियर? वाह वाह, अच्छा हुआ तू मुझे मिल गई। कल मेरी बहन की शादी है, ये ले कार्ड, अपने पति को भी लाना। कल मेरी फैक्ट्री के मालिक की बेटी की भी शादी है, अगर मैं वहां न गया तो बुरा मानेंगे, क्या करें? क्या करें, जब दो शादियां एक वक्त पर आ जाए तो एक में पत्नी चली जाए और दूसरे में पति। नमस्कार, कांग्रेचुलेशन। आइए 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 प्लीज, इस तरफ यहाँ बैठिए ना, आइए इस तरफ। अरे शांति, तू अकेली? अपने हस्बैंड को नहीं लाई? उन्हें अपने मालिक की बेटी की शादी पर जाना था इसलिए मैं अकेली आई। मैं तुम्हें अपनी सहेली शांति के बारे में बोल रही थी ना, यही है शांति, इसके हस्बैंड बहुत बड़े इंजीनियर है। आओ मैं तुम्हें अपनी बहन से मिलवाऊं। क्यों देख रही है? वो हमारा ड्राइवर है। हाँ। क्या तू उसे जानती है? जानती कैसे नहीं, अच्छी तरह जानती कि ये ड्राइवर साहब इसके पति देव। तूने तो कहा था कि वो किसी फैक्ट्री में इंजीनियर है। इंजीनियर क्या, ये तो इस आदमी को भगवान समझती है। इसकी खातिर माँ बाप का प्यार धन दौलत सब कुछ छोड़ दिया इसने, अब असलियत सामने आई है। ये सबके सामने कैसे कह सकती है कि एक ड्राइवर की बीवी है? झूठ तो उसे बोलना ही पड़ेगा। माफ कर दो शांति, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता कि मैं तुम्हें कभी दुख पहुंचाऊंगा। पत्नी को दुख नहीं होता, चाहे उसका पति सड़कों पर बोझा होता है, पत्थर कूदे, मगर पति उसे झूठ बोले ये पत्नी के लिए मौत है। नहीं शांति,
मैं तुमसे झूठ बोलना नहीं चाहता था, लेकिन उस रोज तुमने देवी माँ का व्रत रखा था। तुमने कहा था जब तक मुझे नौकरी नहीं मिल जाती तुम अपना व्रत नहीं खोलोगी। मैं तुमसे कैसे कह देता कि मुझे नौकरी नहीं मिली, इसलिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। उसके बाद मुझे ड्राइवर की नौकरी मिल गई और कोई चारा नहीं था, लेकिन ये बात मैंने तुमसे छुपाई रखी। क्यों? आपने सोचा अगर मुझे पता चलेगा कि आप ड्राइवर का काम कर रहे हैं तो मैं आपको छोड़ दूंगी? नहीं शांति, ये बात नहीं। तुम कितनी खुश थी कि तुम्हारे पति को इंजीनियर की नौकरी मिली है। मैं तुम्हारे चेहरे की खुशी नहीं छीनना चाहता था। और फिर तुम इतने बड़े घराने की बेटी, मैं कैसे लोगों से कहता कि तुम एक मामूली ड्राइवर की बीवी हो? क्या एक ड्राइवर इंसान नहीं, उसकी बीवी बीवी नहीं? मुझे एक ड्राइवर की बीवी होने में कोई शर्म नहीं। मैंने आपकी नौकरी से प्यार नहीं किया, आपसे प्यार किया है, सिर्फ आपसे। मैं जानता हूं शांति, तुमने मेरे लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है, और मैंने क्या दिया है तुम्हें? तुम मखमल के गद्दों पर सोती थी और मैं तुम्हें एक मामूली खटिया तक लाकर ना दे सका। तुम रेशमी साड़ियां पहनती थी और मैं तुम्हारे लिए एक मामूली सूती साड़ी तक लाकर ना दे सका। भूख का लफ्ज तुमने कभी नहीं सुना था और मैंने तुम्हें भूख की भट्टी में लाकर छोंक दी। तुम्हारे मां बाप ने कितने ऐशो आराम की जिंदगी दी तुम्हें, मगर तुम्हारे पति ने तुम्हें क्या दिया? मैं जब ये सोचता हूं शांति तो अपने आप को कितना कोसता हूं, कितना कोसता हूं। जो मर्द अपनी बीवी को अच्छी जिंदगी ना दे सके उसे शादी करने का क्या हक है? ऐसे आदमी को तो मर जाना चाहिए। भगवान के लिए मुझे ऐसे शब्द मत निकालिए। शांति, जिस दौलत के जोर पर तुम्हारे पिता ने तुम्हारा सबके सामने अपमान किया, मैं वो दौलत कमाकर दिखाऊंगा तुम्हें। उसी दौलत के जोर पर दुनिया से बदला लूंगा। सुनिए जी, चले गए। घबराओ मत बहन, मैं आदमी को समझता हूं, वो जरूर लौटे और कामयाब लौटे। नहीं शांति, रो मत, तेरी माँ कृपा करेंगी। शांति शांति रो मत, शांति शांति, मुझे पूरा विश्वास है वो जल्द ही वापस आ जाएंगे। आप रोज यही कहकर मेरे आंसू पूछती हैं, उन्हें गए हुए कई दिन हो गए। इस तरह हिम्मत नहीं हारती, हो सकता है नौकरी के लिए वो दूसरे शहर गए हों, वो जरूर लौट आएंगे। हाँ शांति, शांति चलो खाना खा लो, चलो शांति चलो। कमाल करते हैं शांति, भाई साहब आ गए। कहां थे आप, कहां चले गए थे?
घर में बीवी रो रो के हलकान हो रही है और मैं शहर भर में आपको ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया। बात यह है कि वो घर छोड़ने के बाद मैं इधर उधर बहुत भटका, आखिर थका हारा एक जगह बैठ गया। ऐसी मेरी नजर एक सामने बोर्ड पर पड़ी। ये जमीन सेठ रामचंद की मलकियत है। सेठ रामचंद के बगैर जो व्यक्ति इसे बेचेगा या खरीदेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैंने देखा कुछ लोग एक दूसरा बोर्ड लेकर आ रहे हैं। उन्होंने पहला बोर्ड निकाल कर फेंक दिया और उसकी जगह दूसरा बोर्ड लगा दिया जिस पर लिखा हुआ था यह जमीन सेठ लालचंद की मलकियत है। पूछने पर मालूम हुआ कि रामचंद और लालचंद दोनों भाइयों के झगड़े में जमीन नहीं बिक रही, हालांकि खरीदार बहुत है। मैं रामचंद से मिला, उसने कहा उसे 5 लाख रुपए चाहिए। फिर लालचंद से मिला, वो भाई को कुछ देने को तैयार नहीं था, उसने कहा उसे 10 लाख रुपए चाहिए। फिर मैं सेठ रतनलाल से मिला जो इस जमीन को खरीदने की कई बार कोशिश कर चुका था मगर भाइयों के झगड़े की वजह से बात नहीं बनी। वो 16 लाख तक देने को तैयार था। मैंने जमीन के कागजात बनवाए, मैंने सेठ लालचंद को 10 लाख रुपए दिलवाए और उनसे उन कागजात पर दस्तखत करवा लिए। दस्तखत करवा कर वो कागजात मैंने सेठ रतनलाल जी को दिए। इसी तरह मैंने सेठ रामचंद को 5 लाख दिलवाए और उसके भी दस्तखत ले लिए। इस सौदे में मुझे पूरे 1 लाख रुपए का मुनाफा हुआ। अब मैं इसे 1 लाख से 10 लाख बनाऊंगा, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 50। शांति, तुम्हें दौलत के इस ढेर पर महारानी की तरह बिठाऊंगा और ये दुनिया जिसने तुम्हारा मजाक उड़ाया है तुम्हारे कदमों पर झुकेगी, तुम्हें सलाम करेगी। बड़े मालिक, बड़े मालिक, छोटे मालिक बेहोश पड़े हुए हैं, इतनी सारी नींद की गोलियां खा ली हैं। नींद की गोलियां खा ली है? मिस्टर चंद्रकांत, रवि को होश आ गया है लेकिन अभी उसे आराम की जरूरत है। उसे डांटिएगा मत, न उसे ऐसी बात कहिएगा जिससे वो जोश में आ जाए या उसके दिल को ठेस पहुंचे। आप उससे मिल सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। तो पेट, हमने तुझसे क्या कहा और तुमने क्या किया? तुम में जरा सा भी सब्र नहीं? प्यार करना आसान है, शादी करना भी आसान है, लेकिन शादी करके निभाना बहुत मुश्किल है बेटा। हम तो तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे कि तुम्हारे प्यार में कितना दम है और तुम उस इम्तिहान में पास हो गए हो। सच डैडी? हाँ, हम अभी लड़की के माँ बाप के पास जाएंगे और शादी की तारीख पक्की करेंगे। हैप्पी। थैंक यू वेरी मच। बड़े माले, आप बंबई से कश्मीर तक और कश्मीर से बंबई तक इम्तिहान लेते रहे? हाँ। इतना लंबा इम्तिहान? स्टूपिड, जब देखो बोलता रहता है। चलो यहाँ से, रवि को आराम करना है। अच्छा। जीत गई बेटी, तुम जीत गई। मुझे मालूम है, रवि ने मुझे फोन किया था। यू नॉटी चिल्ड्रन, हम तुम्हारे पिताजी से मिलने आए हैं। आइए बैठिए ना। पापा, पापा,
जल्दी आइए ना, आपसे कोई मिलने आया है। आप ये तो कमाल हो गया, हमें तो पता ही नहीं था। लक्ष्मी, अरे लक्ष्मी देखो तो कौन आए हैं। जी आई। यानी मनोरमा आपकी बेटी है। हाँ, लेकिन आप कैसे जानते हैं? अरे भाई, हम नहीं जानेंगे तो और कौन जानेगा, अभी बताते हैं। अरे भाई साहब, आप नमस्ते। बैठे बैठे कैसे हैं आप? आप लोगों को मिलकर आनंद आ गया। लक्ष्मी चाय लेकर चलो। सूखी चाय से काम नहीं चलेगा, मुंह मीठा करने के लिए कुछ मीठा लेकर आइए। ऐसी भी क्या बात है, हम भी तो सुने। वो कहते हैं ना, दाने दाने पर नाम लिखा है, इसलिए आज आपके घर की मिठाई हम खाएंगे, और वो भी आपके हाथ से। पहेली है मत बुझवाइए, साफ साफ बताइए। हम अपने बेटे रविकांत के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आए। सच भाई साहब, हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। लक्ष्मी तुम दोनों जरा अंदर जाना। जी। चंद्रकांत साहब, मुझे ये रिश्ता पसंद नहीं। ये क्या कह रहे हैं आप? कोई वजह? आपके घर में कोई औरत सुखी नहीं रह सकती। जगन्नाथ जी, मैं जो कह रहा हूं ठीक कह रहा हूं। मैं अपनी आंखों से देख चुका हूं कि आपकी बीवी आपके घर में कितनी सुखी। गुड मॉर्निंग सर। आपसे आधा घंटा वक्त चाहिए। आधा घंटा यानी 30 मिनट। जी, अगले महीने फोन कीजिए। नेक्स्ट। साहब कहाँ हैं? साहब नीचे गए। जल्दी जाकर उन्हें कहो नाश्ता तैयार है। अच्छा साहब। साहब मैं मैम साहब साहब को आने के लिए बोले हैं, नाश्ता रहती है। व्हाट नॉनसेंस, ये भी कोई कॉन्ट्रैक्ट है? इसलिए आपको दिखाना चाहता था सर। और 50 आदमी हैं जो बिना किसी शर्त के काम करने को तैयार हैं। ये नाश्ता ठंडा हो रहा है जी। नाश्ता ठंडा हो रहा है तो हम यहाँ बेकार बैठे हैं। एक मिनट लगेगा, आकर नाश्ता कर लीजिए, काम तो बाद में भी देखा जा सकता है। तुम्हारा मतलब है हमें इतनी भी अक्कल नहीं कि कौन सा काम किस वक्त करना चाहिए। बीच में फजूल फूल मत किया करो शांति। जी हाँ, ये क्या मिस्टर जगन्नाथ, हर महीने आपको 2-3 दिन की छुट्टी चाहिए? जी कुछ घरेलू जरूरतें हैं जिन्हें देखना पड़ता है। घरेलू जरूरतें सिर्फ आप ही की नहीं, हमारी भी हैं। सभी की होती हैं, लेकिन कुछ लोग अपने घर को खुद देखते हैं। ओके। बड़ी खुशी की बात है कि ये माँ बनने वाली है। हाँ। मुझे तो पहले ही मालूम था, देवी माँ ने शांति को सब कुछ दिया है, बस एक संतान का धन नहीं था, सब वो कमी भी पूरी हो गई। आप हर महीने चेकअप करवाना मत भूलिएगा। अब मैं चलूं? आइए डॉक्टर। हेलो शांति ट्रेडर्स, मैं मिसेस चंद्रकांत बोल रही हूँ। जी गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग, सब है? जी नहीं। कब आएंगी? पता नहीं। ठीक है। साहब शायद लेट हो जाए, आप खाना खा लीजिए। उन्हीं के साथ ही खाना खाएंगे, आप लोग खाना खा लो। जी अच्छा।
एम साहब, एम साहब, साहब आ गए हैं। आ गए? साहब खाना खाने के लिए आ रहे हैं? आ रहे हैं। मालिक तो खाना खा चुके, मिनिस्टर साहब के घर पे डिनर पार्टी थी। खा चुके? आइए आइए मिस्टर जगन्नाथ। मुबारक हो। मुबारक? किस बात की? पूछ रहे हैं किस बात की? अजी साहब आप बाप बनने वाले हैं। What? हाँ, मेरी बीवी कल आपके यहाँ गई थी, उसी ने मुझे बताया है। Really? That's a good news. उसने मुझे बताया नहीं। हेलो शांति, हमने सुना कि हम बाप बनने वाले हैं। तुमने हमें बताया क्यों नहीं? आपने मुझे बताने का मौका कहाँ दिया है? कल मैंने आपके ऑफिस में फोन किया था तो आप ऑफिस में नहीं थे। रात को आप आते ही सो गए और सुबह ऑफिस चले गए। आई एम सॉरी शांति, आजकल काम इतना ज्यादा है कि बस कुछ मत पूछो। खैर, आज हम बहुत खुश हैं। बोलो तुम्हारे लिए क्या तोहफा लेकर आया? हीरे की अंगूठी? वो तो बहुत पड़ी है मेरे पास। तो फिर सोने के मोटे मोटे जड़ाऊ कंगन? वो सब मैं कहाँ पहनती हूँ? तो फिर तुम ही बताओ तुम्हारे लिए क्या लेकर आए? आज हम बहुत खुश हैं, जो कुछ तुम कहोगी वही लेकर आएंगे। सुनिए, आज आप जल्दी घर चले आइए। बस यही नहीं कर सकते, आज शाम को बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस में जाना है। ठीक है जी। मालकिन ने कहा था कि जाने से पहले उनसे मिलके जाइएगा। अरे शांति, हमारे दिमाग से तो अभी तो कुछ नहीं। क्या बात है शांति? कुछ नहीं जी। अरे तुम्हें तो तेज बुखार है। सेवक, सेवक जी, डॉक्टर को फोन करो, हम बात करेंगे। बात करेंगे क्यों जी? मैंने सुना आप शहर से बाहर जा रहे हैं। हाँ शांति, हम तुम्हें बताना भूल गए, अभी अभी दिल्ली से ट्रंक कॉल आया है, हमारा वहाँ जाना बहुत जरूरी है। कुछ दिन बाद नहीं जा सकते? नहीं शांति, अगर हम वहाँ न गए तो एक बहुत बड़ा सौदा हाथ से निकल जाएगा, लाखों का नुकसान हो जाएगा। डॉक्टर ने कहा है शायद एक दो दिन में डिलीवरी हो जाए। ओ वंडरफुल। मालिक, डॉक्टर साहब लाइन पे हैं। अभी आए। हेलो चंद्रकांत है, गुड मॉर्निंग डॉक्टर, हमारी मिसेज की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। साहब ऑफिस से फोन आया है, मिनिस्टर साहब एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। ओ आई एम सॉरी, जस्ट अ मिनट, तुम डॉक्टर से बात करो। शांति वो ऐसा करो, तुम सेवक तुम्हारा दिल्ली आना जरूरी नहीं है, तुम यही रहो, मालकिन ध्यान रखना। ओके हम चलते हैं, हम चलते हैं, चलो। ये बैग। सॉरी सॉरी डॉक्टर साहब, मालिक आपसे बात नहीं कर सके क्योंकि मिनिस्टर साहब से एक इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट थी। जी
मालकिन की तबीयत बहुत खराब है। मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी, चाहे मेरी जान चली जाए। हेलो ट्रंकल, पुट इट थ्रू। चंद्रकांत जी, डॉक्टर ने कहा है कि डिलीवरी के लिए आपकी मिसेज का ऑपरेशन करना पड़ेगा और वो फौरन हो जाना चाहिए। आपका इस वक्त होना बहुत जरूरी है। देखिए जगन्नाथ जी, आप किसी भी तरह शांति को समझाइए, उससे कहिए कि हमने कहा है कि वो ऑपरेशन करवा ले। आज शाम को एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, वो अटेंड करके हम कल सुबह की फ्लाइट से आ जाएंगे। देखिए मीटिंग में आप नहीं जाएंगे तो दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी, मगर आपकी मिसेज आपकी गैर हाजिरी में ऑपरेशन करवाने के लिए तैयार नहीं है। ओके ओके, हम अगली फ्लाइट से वापस आ रहे हैं। मैंने अभी चंद्रकांत जी से बात की है, फौरन वापस आ रहे हैं, लेकिन हवाई जहाज पहुंचने में कुछ देर तो लगेगी और ऑपरेशन की भी रोका नहीं जा सकता। आप मेरी बात मानिए, हाँ कर दीजिए। हेलो, जस्ट अ मिनट सर, आपके लिए ट्रंक कॉल। हेलो चंद्रकांत भैया, नहीं नहीं हम कलकत्ता नहीं आ सकते, हम वापस जा रहे हैं, हमारी वाइफ का ऑपरेशन है। क्या कहा? अगर हम कलकत्ता नहीं आए तो हमारा टेंडर पास नहीं होगा क्यों? आई सी, दूसरे लोग अपना इन्फ्लुएंस लड़ा रहे हैं। ठीक है, हम कलकत्ता आ रहे हैं। मालकिन नर्सिंग होम में है या घर आ गए? बेडरूम में है साहब। शांति, कैसी हो शांति? ठीक हूँ जी। गुच्ची बाबा, चुना चुना बाबा। शांति, इसकी शक्ल बिल्कुल हमारे जैसी है ना? सॉरी शांति, हमने जल्दी आने की बहुत कोशिश की लेकिन आ नहीं सके, क्या करें, बिजनेस को कामयाबी के साथ चलाना इतना मुश्किल हो गया है कि जब तक हर काम खुद न करो बात नहीं बनती। इसलिए ऑपरेशन के वक्त हम नहीं पहुंच सके। क्या फर्क पड़ता है कोई रहे या ना रहे, दुनिया के काम तो रुक नहीं सकते। ये क्या कह रही है तुम शांति? कहने के लिए रहा ही क्या, जब इतनी सारी समस्याएं आदमी के सामने आ जाए तो उसे कोई पहले दिखेगा जो उसके लिए ज्यादा जरूरी है। आपने भी वही किया। तुम्हारा मतलब है हम जानबूझकर नहीं आए? ये मैं कैसे कह सकती हूँ जी, आपका ज्यादा ध्यान बिजनेस में रुपया कमाने में है। तुम ठीक कह रही हो शांति, लेकिन ये रुपया हम किसके लिए कमा रहे हैं? यही तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। अपना घरवार, अपनी बीबी, अपने बच्चे को भुलाकर दिन रात आप रुपया कमाने में लगे हैं, किसके लिए? किसके लिए? शांति, शायद तुम वो दिन भूल गई। वो दिन मैं कैसे भूल सकती हूँ, उन्हीं दिनों की याद पर तो मैं आज तक जी रही हूँ। उन दिनों हमारे पास खाने को नहीं था, लेकिन हम एक दूसरे का गम
और दुख बात कर ही खुश थे। मुश्किल के कितने तूफान आए फिर भी हम हंसा करते थे क्योंकि हम एक दूसरे के साथ थे। एक छोटे से मामूली कमरे में फर्श पर एक दूसरे के पास बैठे एक दूसरे को देख देख कर कितना आनंद मिलता था। लेकिन आज आज क्या है, हम इस आलीशान महल में रहते हैं, हमारा घर एक है, कमरा एक है, लेकिन आपसे बात करने का भी मुझे मौका नहीं मिलता। कभी बातचीत होती है तो टेलीफोन के जरिए, आपसे मिलना चाहूं तो किसी के जरिए खबर भेजनी पड़ती है। मैं पहली बार मां बनने वाली थी, डॉक्टर ने कह दिया बिना ऑपरेशन के बच्चा नहीं हो सकता, फिर भी आप नहीं आए। क्यों, दौलत की खातिर? ये दौलत आप किसके लिए कमा रहे? शांति, तुम क्या सोचती हो, हम जानबूझकर तुमसे दूर रहे? क्या हम तुमसे प्यार नहीं करते? हाँ करते थे, मगर अब दौलत से। शांति, शांति, तुम बार बार हम पर वही इल्जाम लगा रही हो। तुम्हारी खैरियत के बारे में हम एक एक मिनट की खबर रखते थे कि तुम अब कैसी हो, अब कैसी हो। हमने अपने पीए, अपने मैनेजर को हुक्म दे रखा था कि दिन रात तुम्हारी देखभाल करें। तुम्हारे शहर के बेहतरीन डॉक्टर थे। सैकड़ों डॉक्टर, हजारों मैनेजर, लाखों देवी देवता भी उसकी इज्जत क्यों ना हो, मगर हर पत्नी बच्चे को जन्म देते समय अपने पति को अपने पास देखना चाहती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि पत्नी के लिए वो घड़ी मरण और पुनर्जन्म की घड़ी होती है। बच्चे को जन्म देते हुए वो अगर मर भी जाए तो भी सिर्फ तसल्ली होती है कि आंखें बंद करते समय उसकी आंखों की आंखें उसके ही पति की मुराद थी, और अगर वो मौत के मुंह से बच के निकल आए तो आंखें खुलते ही वो जब अपने पति को पास देखती है तो उसकी सारी तकलीफें खुशी में बदल जाती है। और मैंने तो वो सौभाग्य भी खो दिया। शांति, शांति, तुम खामखा अपने आप को दुखी मत करो। हमने आने की पूरी कोशिश की लेकिन हालात ने हमें रोके रखा। हालात किसके हाथों में? यह हालत तो अभी नहीं पैदा किए। तुम कहना चाहती हो हम आ सकते थे और नहीं आए? क्या हो जाता अगर हम दिल्ली नहीं जाते तो? सत्यानाश हो जाता। तुम क्या समझती हो, दिल्ली हम अपनी खुशी या ऐश करने गए थे? वहां जाकर हम कितना परेशान हुए ये सिर्फ हम ही जानते हैं। न खाना वक्त पर, न रातों की नींद, दिन रात हमें पागलों की तरह लोगों के पीछे भागना पड़ा। फिर क्यों? आपको क्या जरूरत है ये परेशानी मोल लेने की? क्या आपके पास जो है वो काफी नहीं, या आप डरते हैं जो आपके पास है वो चला जाएगा? ये दौलत, ये जायदाद, ये शान, ये मुझे सिर्फ आज ही नहीं मिली, मेरे पास पहले भी थी। वो सब कुछ मैं आपकी खातिर छोड़कर आई थी, और अब आप मुझे छोड़कर उन्हीं चीजों के पीछे भाग रहे हैं। ये शान, ये दौलत, ये आराम, ये सब कुछ मुझे नहीं चाहिए। अपने दिल के किसी कोने में मुझे थोड़ी सी जगह दे दीजिए, बस मुझे इतना ही चाहिए, इतना ही चाहिए। जगन्नाथ जी, अगर आप ये सोचते हैं
जिसने एक बार जुर्म किया वो जिंदगी भर मुजरिम बना रहेगा, उसकी आने वाली पीढ़ियां मुजरिम बनी रहेंगी, तो बात करना बेकार है। लेकिन हम आपको यह बता देना चाहते हैं, अगर दौलत का भूत आज भी हमारे सर पर सवार होता तो हम आपके दरवाजे पर नहीं आते। हम अपने बेटे के लिए मालदार से मालदार घराने की लड़की हासिल कर सकते हैं, लेकिन हम आपके पास आए क्योंकि हम ये जान चुके हैं कि जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत प्यार है, और ये दोनों बच्चे एक दूसरे के प्यार की दौलत से मालामाल है। आप सोच लीजिए, शायद हमारी बात आपकी समझ में आ जाए। बेटा, आज तक हर काम हम ही करते आए हैं, मगर अब हम थक गए हैं। तुम एक जिम्मेदार इंसान बनने के काबिल हो चुके हो। ये लो चाबियां, हम चाहते हैं आज से हर जिम्मेदारी का बोझ तुम ही संभालो और हम कश्मीर जाकर आराम की जिंदगी गुजारें। डैड, बेस्ट ऑफ लक माय सन। कमरे में बंद हो ये क्या? मौसम बहार, गुलो गुलजार, खुशबू की फुहारी फुहार। ओ, स्टॉप इट यार। क्यों? मुझे मालूम होता कि शादी के बाद भी तुम्हारा बचपना नहीं जाएगा तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। लेकिन इसमें बचपने की क्या बात है? ये सब कुछ सिर्फ पहली रात को होता है, सुहाग रात को। मैं पूछता हूँ, हर रात सुहाग रात क्यों नहीं हो सकती? मतलब? मतलब ये, हर रात तुम मुझ में एक नया दूल्हा देखे और मैं तुझ में एक नई दुल्हन। आज से हर रात तू यहाँ सज धज कर बैठ जाएगा, घूंघट निकाले ऐसे। ये दूध का गिलास बीच में कहाँ से आ गया? इसे तो बाजू में करो। मैं बाहर से दूल्हा बनकर आऊंगा, ये देखो। अरे यार, तू हंसे क्यों? भी सीरियस यार, इसमें हंसने की क्या बात है? ये घूंघट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसे रखो। अच्छा। मैं दूल्हा बनकर आता हूँ बाहर से। क्या कर रही है? क्या हुआ? कुछ नहीं, बैठो। मैं अंदर झटका खाकर ऐसे आया जैसे 10-12 औरतों ने धक्का देकर अंदर भेज। अब औरतें तो है नहीं, तो झटका तो खुद ही खाना पड़ेगा ना। हाँ। लो फिर आया। मन्नू, आवाज सुनकर खड़ी तो हो जाओ। That's right. मन्नू आगे तो बोलो। ऐसे बात करोगी? जब मैं मन्नू कहूं तो शर्मा कर कहना। मन्नू। इतनी जोर से नहीं, आहिस्ता। मन्नू। दैट्स गुड। कितनी अजीब रात है, सारे जहां में ढूंढा, आसमां में ढूंढा, मगर चांद कहीं भी नहीं है। फिर कहां है? यहां है, मेरे घर में, मेरे पास। मनु, बी सीरियस। मनु, उनको मनु 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 ये क्या है? पियो ना। तुम जानते हो मैं थम्स अप पीती हूँ। अरे ये तो रिहर्सल है, इसे थम्स अप समझकर पी लो। अभी नहीं, बाद में। क्यों? दूध पीने से मुझे नींद आ जाती है। तो फिर छोड़ो इस दूध को,
मनु मनु ये क्या? अब तक जो हुआ वो रिहर्सल थी, अब जो होगा वो रियल है, असली बात है। हम अंदर आ सकते हैं? आइए आइए। नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते जी। नमस्ते। आदाब है सादा। हम आपके पास एक विनती लेकर आए हैं। कहिए। हम लोग सब आइका के मेंबर हैं। आइका मतलब? आइका, ए आई के ए, आइका, ऑल इंडिया कड़का एसोसिएशन। कड़का एसोसिएशन? इस एसोसिएशन का नाम तो पहली बार सुना है। जी, ऑल इंडिया में सभी की एसोसिएशन हैं, सिर्फ यही नहीं थी, इसीलिए सोचकर ये शुरू की है। ये देखिए, ये ऑल इंडिया कड़के, जिनका दिवाला निकल चुका है, जो कभी आपकी तरह मर्सिडीज इंपाला में घूमा करते थे, हवाई जहाज में उड़ा करते थे, लेकिन आज इनके पास बस में बैठने के लिए पैसे नहीं। रवि बाबू, आप तो दानवीर करण है, आप खुद ही सोचिए, क्या हम पैदल चल सकते हैं? आपको हमें चंदा देना चाहिए। आई सी। आप कितने चंदे की मुझसे उम्मीद रखते हैं? जी, हम सेठों की बिरादरी में जो भिखारी हैं, उन्होंने 10,000 दिए हैं, और जो गरीब हैं उन्होंने 20, और जो मिडिल क्लास वाले हैं उन्होंने 30, और जो उनसे भी मिडिल क्लास है 40, और जो उनसे भी मिडिल क्लास है उन्होंने 60। मगर सट्टे वाले स्वर्गीय जगत जीवन जी है ना, उनके सुपुत्र लखीराम जी, उन्होंने 1,00,000 रुपए की सहायता की है। दैट इज द हाईएस्ट। उस मक्खी चूस ने 1,00,000 रुपए दिए? ठीक है, तो फिर हम 1,10,000 रुपए देंगे। हाँ। How are you? शाम को जल्दी आना। ठीक, सुहाग रात से पहले आ जाऊंगा। उससे पहले हम लोग इवनिंग शो पिक्चर जाएंगे। तो ठीक है, 3 बजे आ जाऊंगा। 3 बजे क्यों? 3 से 6 मैटिनी शो। यो, चलो जल्दी काम, तुम रोज लेट जाते हो। अरे देखो देखो, छोटे मालिक की तस्वीर छपी है अखबार में, उन्होंने 1,10,000 रुपया चंदा दिया ऑल इंडिया कड़का एसोसिएशन को। अरे ये तो कुछ भी नहीं है सेवक राम जी, वो 10,00,000 भी दे सकते हैं, बाप की कमाई दौलत है, दोनों हाथों से लुटा रहे हैं। मुझे तो यही डर है कि अगर वो ऐसा ही करते रहे तो एक दिन वो इसी ऑल इंडिया कड़का एसोसिएशन के मेंबर बन जाएंगे। शट अप। पैसा छोटे मालिक का हो या उनके बाप का, तुम्हारे बाप का तो नहीं। गुड मॉर्निंग सर। बाप की कमाई दौलत है, दोनों हाथों से लुटा रहे हैं। राम जी, मिस्टर जावेद को लेकर मेरे ऑफिस में आइए। मिस्टर जावेद। यस सर। हमारी जितनी भी कंपनियां हैं, मैं उन सब की अप टू डेट बैलेंस शीट देखना चाहता हूं, अभी और इसी वक्त। जी। सुना नहीं आपने, बैलेंस शीट लेकर आइए फौरन। सर इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा सर। कितना टाइम लगेगा? 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल? जी कितना टाइम लगेगा? जो भी हो, जब तक सब कागजात मेरी टेबल पर नहीं आते मैं यहीं बैठा हूं। चाहिए? सुना नहीं आपने? जी प्लीज गो। छोटे मालिक, आपको हमारी बातें सुनकर बुरा तो नहीं लगा? नहीं सेवक राम जी, आज आपकी बातों ने मेरी आंखें खोली। आप कमाई और बाप कमाई में बहुत फर्क है। रुपया खर्च करने से पहले इंसान को रुपया खुद कमाना चाहिए। डैडी की कमाई हुई बहुत दौलत है,
लेकिन वो उनकी अमानत है। आज से मैं अपनी कमाई शुरू करूंगा, अपनी। मोहन, एम साहब कहाँ हैं? जी वो ऊपर है साहब, वो बहुत गुस्से में है। मनो 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 मनो, दरवाजा खोलो। मैं जानता हूं तुम क्यों नाराज हो, पर क्या करूं, कुछ बात ऐसी हो गई कि मैं भूल गया। मनु मनु दरवाजा खोल। मनु अरे दरवाजा खोलो, कहां गई? अरे कहां भाई? अरे मनु गुस्सा थूक दो। मनु एक बार कह दिया ना सॉरी, कभी कभार ऐसा हो जाता है भाई। मनु मनु स्वागत मनाएंगे, खोलना दरवाजा। देख मनु अब मुझे भी गुस्सा आ रहा है, एक बार मैं यहां से चला गया ना तो फिर कभी इस बेडरूम में नहीं आऊंगा। मनु तू क्या समझती है, तू दरवाजा नहीं खोलेगी तो मैं कहीं सो नहीं सकता क्या? मैं जा रहा हूं मनु। अरे ये तो सचमुच सो गई। ठीक है सो जा, मैं भी चला। मेम साहब चाय? हमें नहीं चाहिए। गुड मॉर्निंग, कौन है आप? मैं सोना ज्वेलरी एम्पोरियम से आऊं सर। किस लिए? कल मेम साहब ने ये जड़ाऊ नेकलेस लाने को कहा था सर। आई सी। और ये बिल भी। ₹40,000? हाँ सर। तुम्हारी दुकान के मालिक का नाम क्या है? हरी भाई जरीवाला। जाकर अपने मालिक से कहो जब लेडीज इतनी कीमती चीज ऑर्डर करती हैं तो भेजने से पहले फोन करके घर के मालिक से बात करनी चाहिए। कल सुबह हमारे ऑफिस में आना और रुपए ले जाना। ओके सर। ठहरो, ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं, कल सुबह मुझसे आके रुपए ले जाना। मनु अब तुम जाओ। मनु तुम नहीं जानती मैंने उसे कल आने के लिए क्यों कहा। जानने की जरूरत भी नहीं, तुम्हारा जी चाहे तो ₹110,000 शहर के लोफरों को दे सकते हैं क्योंकि अखबारों में तुम्हारी फोटो छपेगी, है ना? लेकिन मैं ₹40,000 का नेकलेस खरीदना चाहूँ तो पाप है, अखबारों में तुम्हारी फोटो भी तो नहीं छपेगी। शट अप, तुम समझती क्यों? मैं सब समझती हूँ, मर्द जितना जी चाहे खर्च कर सकता है, उसे कोई पूछने वाला नहीं, लेकिन औरत एक रुपया भी खर्च करते तो उसे पूछा जाता है क्यों किया, किस लिए किया, किससे पूछ के किया। औरतें भी इंसान होती हैं, उनके दिल में भी ख्वाहिशें होती हैं, लेकिन ये बात तुम मर्द लोग नहीं समझते। नहीं मनु नहीं, ये बात नहीं है। तो फिर कौन सी बात है बोलो। I'm not a fool, मैं जानती हूँ जो तुमने कहा क्यों कहा, सारी जायदाद तुम्हारी है, रुपया तुम्हारा है, तुम क्या समझते हो ये नेकलेस मैं अपने रुपये से नहीं खरीद सकती। I can give it to me. Okay. हेलो मनु, क्या बात है बेटी? पापा
मुझे 40,000 रुपए की जरूरत है। किस लिए? वो मैं बाद में बताऊंगी, पहले आप रुपए भेज दीजिए अभी इसी वक्त। ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी है, कुछ पता भी तो चले। अगर मैं नहीं बताऊं तो आप रुपए नहीं भेजेंगे क्या? देखो बेटी, जब तक तुम्हारी शादी नहीं हुई थी तुम अपने पापा की बेटी थी, अब तुम्हारी शादी हो गई है तुम अपने पति की पत्नी हो। माँ बाप या रिश्तेदार पति को बताए बिना अगर 1 रुपया भी दें तो पत्नी के प्यादा जीवन में बिगाड़ हो सकता है, और मैं नहीं चाहता तुम्हें कोई ऐसी बात का सामना करना पड़े। You mean, आप रुपए देने से इनकार कर रहे हैं क्या? इनकार नहीं कर रहा है, अगर तुम मुझे अपनी जरूरत नहीं बताओगी तो मैं रवि से पूछ के तुम्हें रुपए भेज दूंगा। आपको न किसी से पूछने की जरूरत है न रुपए भेजने की। आई डोंट नीड एनीथिंग। ये लो। आप नेकलेस वापस कर रही हैं? या मैं इतनी अमीर नहीं जो ये नेकलेस खरीद सकूं। मेरे पास रुपए होंगे तो मैं दुकान से आके ले जाऊंगी। आई एम सॉरी मैंने आपको तकलीफ दी। जी कोई बात नहीं, नमस्ते। साढ़े 6 बजे अब चले। अरे भाई छोटे साहब पहले जल्दी चले जाया करते थे, अब तो नहीं जाते। 6:30 क्या 8:30 भी बजेंगे, वो जब तक नहीं जाते हैं हम कैसे जा सकते हैं। मेम साहब कहाँ है? उस कमरे में। साहब आज भी सारा दिन कुछ नहीं खाया। मनु, मनु ये सब क्या है? इस घर में हम सिर्फ 2 हैं और तुम इस कमरे में पड़ी और मैं उस कमरे में। न तुमने कुछ खाया न मैंने कुछ खाया, आखिर हुआ क्या है? तुम नहीं जानते क्या हुआ। सिर्फ इतना हुआ कि मैंने उस आदमी से कहा कि कल दफ्तर में आकर रुपए ले जाओ, और क्या? बस मैं तुम्हारी बात की असली मैंने जानती हूँ। तुमने कहा कि फोन करके पहले तुम्हारी इजाजत लेनी चाहिए थी, इसका क्या मतलब हुआ? मुझे इस घर में कोई आजादी नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारी गुलाम हूँ, है ना? नहीं मन, मेरा ये मतलब हरगिज नहीं था। मैंने जो कुछ भी कहा था किसी और वजह से कहा। कल तुमने भी एतराज उठाया था कि मैंने शहर के लोफरों को रुपया दिया, उससे 1,10,000 रुपए नहीं, मेरे लिए 1,10,000 सवाल खड़े कर। मेरे इर्द गिर्द लोग फिक्रे करने लगे कि मैं बाप की दौलत लुटा रहा हूं, ये भी कहने लगे कि मुझे रुपए की कदर तब मालूम होती अगर मैंने रुपया खुद मेहनत करके कमाया होता। मनु, अगर तुम वो नेकलेस पहनकर बाहर जाती और लोग तारीफ करने की बजाय ये कहते कि तुम अपने ससुर की दौलत पर ऐश कर रही हो तो क्या तुम्हें अच्छा लगता? तुम्हें कसम है मनु, सच सच बता रहा, एक पत्नी अपने पति की कमाई पर जीना चाहेगी या किसी और की कमाई? अपने पति की कमाई पर ना? यही बात मैं तुम्हें बताना चाहता था। उस दिन जब तुमने नेकलेस ऑर्डर किया तब मेरे पास अपनी कमाई की 1 फूटी कौड़ी ना थी, लेकिन अब सब ठीक है। तुम्हारी हर मांग हर जरूरत मैं अपनी कमाई से पूरी करूंगा। ओके? I'm sorry. No. Love means never having to say sorry. I'm sorry. Hello.
हसीन वादियों से, इन हसीन वादियों से दो चार नजारे चुरा ले तो चले, चुरा ले तो चले। क्या बात है भाई, पहले मुंह तो मीठा करो। पर क्यों?
आज जानते हो क्या है? क्या है? मुझे मालूम था तुम्हें याद नहीं रहेगा। मर गए। आज मेरा बर्थडे है। दत्तन की। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छा बर्थडे गर्ल, आज तुम्हारे लिए क्या तोहफा लेकर आऊं? कुछ भी नहीं, आज शाम को मैंने एक पार्टी रखी है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं और तुम एग्जैक्टली 6 बजे आ जाना। मैं ठीक 2 बजे आऊंगा। 2 बजे क्यों? मैं इतनी शो नाश्ता बैठो मनु, नाश्ता जल्दी लाओ। मोनिशो के बारे में क्या ख्याल है? बिल्कुल नहीं। ओ ब्लडी फूल, जल्दी करो, जल्दी लगाओ। हवा भरो, क्या करता है तुम? इडियट्स, कम ऑन। टेबल क्लॉथ लगाओ। चलो 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 चलो, सर इंडो सोवियत कोलैबोरेशन का ये जो प्रोजेक्ट है उसके लिए बहुत सी पार्टीज कोशिश कर रही हैं, लेकिन उन लोगों से मेरी जान पहचान है। जान पहचान है तो यहाँ क्या कर रहे हो? अगर ये बात बन जाए तो करोड़ों का मुनाफा हो सकता है। ओके सर, मैं अपना काम करो। जाओ। हेलो, गुड इवनिंग। आइए। मोहन क्या सर? आइए। मैडम, मेहमान लोग आने लगे। उन्हें बिठाओ, मैं अभी आती हूँ। ओके, आज रात को वो लोग जा रहे हैं, इसलिए आज शाम को 6 बजे मैंने उनसे अपॉइंटमेंट फिक्स कर दिया है। 6 बजे? जी। गुड, चलो चलो। ओके सर, बाकी लेटर बाद में डिक्लेयर करवाएंगे। ओके सर। हाय। हाय। थैंक यू वेरी मच। यस मैडम। हाय मीना, मिस्टर सेवकराम। जी मैडम। ऑफिस में फोन करके पता लगाओ अभी तक साहब क्यों नहीं आए। सुनो मनु, अब तो बहुत देर हो चुकी, हमें इजाजत दो। प्लीज, वो अभी आते ही होंगे। एक्सक्यूज मी मिसेस अविकांत, बहुत देर हो चुकी है, हमें एक जरूरी काम से जाना। प्लीज 5 मिनट रुक जाइए प्लीज। मैडम, छोटे मालिक किसी जरूरी काम से ताजमहल होटल चले गए। ताजमहल? हेलो। ये प्लीज पुट मी ऑन टू मिस्टर रविकांत। व्हिच रूम प्लीज? आई डोंट नो, इज द मैनेजिंग डायरेक्टर शांति कॉर्पोरेशन। देखिए, हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकते, वो एक पार्टी में है। पार्टी? यस मैडम। इट्स वेरी अर्जेंट, मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ। सॉरी मैडम, उनके इंस्ट्रक्शंस है उन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए। ऐसी जगह जहां मेरी भी कुछ कदर हो। आई एम सॉरी मनु, ये देखो वही नेकलेस। हैप्पी बर्थडे टू यू। नहीं चाहिए मुझे ये। मनु, बात यह है कि अचानक कुछ काम नहीं। इस दुनिया में किसे काम नहीं? टैक्सी ड्राइवर, चपरासी, मजदूर, क्या उन्हें काम नहीं होता? लेकिन वो भी शाम होते ही अपने घर लौटते हैं, अपनी बीवी के पास, बच्चों के पास। अगर वो अपना काम वक्त पर बंद करके घर आ सकते तो क्या तुम नहीं आ सकते? मनु, तुम्हें आज का दिन याद रहा ना? मैं कैसी बात कर रही,
अगर आज का दिन याद न रहता तो ये नेकलेस लाना कैसे याद रहता? ये नेकलेस तुम मेरे लिए नहीं, अपनी गलती पर पर्दा डालने के लिए लाए हो। तुम अपनी दौलत से कुछ भी खरीद सकते हो, मगर एक देवी को नहीं। अनु, अनु, तू ऊपर चल, मैं तुझे सब कुछ बताता हूँ। क्या बताओगे मुझे? हर गलती के लिए आदमी 50 बहाने बना सकता है। चोर और खूनी भी अपना जुर्म छुपाने के लिए कोई ना कोई कहानी सुना देते हैं। उसी तरह तुम मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो। मुझे ना तुम्हारी बातों में दिलचस्पी है और ना ही तुम में। क्योंकि तुम मुझसे प्यार कर बैठे इसलिए तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ी, और शादी कर बैठे इसलिए तुमने मुझे लाकर एक सोने के पिंजरे में बंद कर दिया। जब तुम्हारा जी चाह थोड़ी देर के लिए दरवाजा खोल दिया। तुम कहो हंसो तो मुझे हंसना पड़ेगा, तुम कहो रो तो मुझे रोना पड़ेगा। मुझे नहीं चाहिए ये जिंदगी। मनु, तुम समझती क्यों नहीं? अगर मैं आज वहां ना गया होता तो वो लोग आज जा रहे थे। वो लोग तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकते, लेकिन जन्मदिन को तुम्हारा इंतजार करना चाहिए, मेहमानों को तुम्हारा इंतजार करना चाहिए। अगर मेहमान तुम्हारा इंतजार ना कर सके, पत्नी को तो जरूरी तुम्हारा इंतजार करना चाहिए। क्यों? वो तो तुम्हारा पालतू कुत्ता है ना। मनु, तू नहीं जानती, आज जो मैंने एग्रीमेंट किया है उससे हमें करोड़ों का मुनाफा होगा, हम करोड़पति बन जाएंगे। मुझे करोड़पति नहीं, पति चाहिए। अगर तुम्हें करोड़ों से इतना ही प्यार था तो मुझसे शादी क्यों की? उन करोड़ों से कर लेनी थी। मनो, करोड़ों की खातिर तुम अपनी बीवी को भी छोड़ सकते हो। मनो, उन करोड़ों की खातिर दोबारा किसी और से भी शादी कर सकते हो। Yes. बड़े मालिक, मैं सेवक राम बोल रहा हूँ। हाँ बोलो सेवक। वो छोटे मालिक भौरानी के बीच में झगड़ा हो गया। What? भौरानी घर छोड़ के चली गई है। क्या? रवि, रवि। डैडी, आप कब आए? बहू कहाँ है? बहू हमेशा के लिए घर छोड़कर चली गई। ऐसा क्यों किया उसने? वो सख्त सिद्धि औरत है। नो, जरूर तुमने उसके साथ बुरा सलूक किया होगा। तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते। हमारा ख्याल था तुम दोनों बड़ी सुखी जिंदगी गुजारोगे, लेकिन ये बीवी पर हाथ उठाने की सभ्यता तुमने कहां से सीखी? जवाब दो। बहू घर छोड़कर क्यों गई? जिन्होंने बाकी सब कुछ बताया है उन्होंने इसकी वजह नहीं बताई। अगर वही वजह है तो गलती तुम्हारी है। जाकर माफी मांगो उससे और उसे वापस ले आओ। डैडी। यस। नहीं डैडी, आप उसे नहीं जानते। वो इतनी मगरूर और बददिमाग है, ऐसी औरत फैमिली लाइफ के काबिल नहीं। वो किसी चीज को समझने के लिए तैयार ही नहीं, इसलिए मैंने उसकी कोई परवाह नहीं की। रवि, तुम औरत को नहीं जानते। जब तुम उससे प्रेम करते हो उस वक्त वो देवी है जिसकी पूजा करने को जी चाहता है। शादी के दिन वो सुंदरता की देवी, शादी के बाद वो प्यार की देवी है जो तुम्हारी जिंदगी को स्वर्ग बना देती है। जब उसकी संतान होती है तब वो ममता की देवी। सिर्फ यही नहीं, जब मर्द की जिंदगी की शाम आती है उसका शरीर ढीला पड़ जाता है, उस वक्त उसे किसी साथी की जरूरत पड़ती है, तब वो देवी के रूप में उसे सच्चा सहारा देती है। औरत प्यार का सावन है जो मर्द की जिंदगी में सुख ही सुख बरसाता है, अपना सब कुछ निछावर कर देता है, लेकिन उसे प्यार के अमृत से सींचना पड़ता है।
वो सावन तुम्हारे घर में आया और बरसा, लेकिन तुमने उसे निराश और प्यासा अपने घर से निकाल दिया। औरत के बिना घर घर नहीं, तपता हुआ रेगिस्तान है, जलता हुआ शमशान है। रवि, मर्द का दिन तब शुरू होता है जब सूरज चढ़ता है, औरत का दिन तब शुरू होता है जब सूरज ढलता है। मर्द दिन भर कहीं भी जाए, कुछ भी करे, औरत कभी नाराज नहीं होती, कोई सवाल नहीं पूछती, क्योंकि वो जानती है दिन ढलने के बाद जब घर में उजाला होगा, तब से अगली सुबह तक उसके पति का सारा वक्त उसके और उसके बच्चों के लिए। शाम होते ही वो नहा धोकर बन ठन कर अपने घर के दरवाजे पर खड़ी इंतजार करती है। किसके लिए? अपने पति के लिए। पति को आने में देर हो जाए तो उसे चिंता होती, इंतजार बढ़ जाए तो वो चिंता दर्द में बदल जाती, और फिर हौले हौले दर्द गुस्से की ज्वाला बनकर भड़क उठता है। गुस्से की उस आग को शांत करना हर पति की जिम्मेदारी है। रवि, मैं मानता हूं लेडी कि आपने जो कुछ भी कहा वो ठीक है, लेकिन उसे भी तो ये समझना चाहिए कि उस रोज मैं वक्त पर क्यों नहीं पहुंच सका। मेरी क्या मजबूरी थी? क्या मजबूरी थी? बिजनेस, दौलत कमाने का भूत तुम्हारे सर पर जो सवार है। जो जो दौलत बढ़ती है परेशानी भी बढ़ती है। तुम हमसे पूछ सकते हो कि हमने इतना रुपया क्यों कमाया? इसलिए कि हम ना समझते, हमारी अकल पर पर्दा पड़ा हुआ था। हम पागलों की तरह इस दौलत के पीछे भागते रहे। इस अंधी दौड़ में हमने दौलत को तो जीत लिया, लेकिन बाद में हमें पता चला कि हमने क्या हार दिया, क्या हार दिया। आपने मुझे याद किया सर। मिस्टर जगन्नाथ, आपके बारे में हमारी राय कुछ और थी। हम नहीं जानते थे कि आप इतने गैर जिम्मेदार निकलेंगे। जी, मुझसे कोई भूल हो गई। ये फाइलें वक्त पर दिल्ली क्यों नहीं गई? जी, ये वक्त पर पूरी नहीं हो सकी। क्यों नहीं? उसके लिए काफी वक्त नहीं था। क्यों नहीं था वक्त? इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि मैं ऑफिस में एक मिनट भी बेकार नहीं बैठा। ऑफिस टाइम में काम खत्म नहीं हो सकता था तो उसके बाद रातों में काम कर सकते थे, इतवार को काम कर सकते थे, किसी छुट्टी के दिन काम कर सकते थे। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा ओवर टाइम के पैसे मिल सकते थे। माफ कीजिएगा, मुझे ओवर टाइम करने का या जरूरत से ज्यादा रुपए कमाने का कोई शौक नहीं है। मैं इतना ना समझ नहीं हूं कि रुपयों की खातिर अपनी बीवी और अपने परिवार को भूल जाऊं। मिस्टर जगन्नाथ जी, ऑफिस के बाद का वक्त मेरे परिवार का है। इतवार या छुट्टी का कोई भी दिन मैं अपने परिवार के साथ गुजारता हूं, और वो वक्त मैं किसी भी कीमत पर ऑफिस के काम में नहीं लगा सकता। आप कहना क्या चाहते हैं? सिर्फ आप ही एक इंसान है जिसका घर है, बीवी है, हमारा कुछ नहीं? हा? इसका फैसला तो आप ही कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि क्यों हम घर बार बुलाकर दिन रात काम कर रहे हैं? वो आप अपनी खातिर कर रहे हैं। What do you mean? हम जो कुछ कर रहे हैं अपने घर के लिए कर रहे हैं, अपने बीवी बच्चे के लिए कर रहे हैं। जी नहीं, अपने नाम की खातिर, अपनी शोहरत की खातिर, अपने घमंड की खातिर। आप ये साबित करना चाहते हैं कि आप इस देश के सबसे बड़े आदमी हैं। जितनी दौलत आपके पास है और किसके पास नहीं। मिस्टर जगन्नाथ। यस मिस्टर चंद्रकांत, इंसान जिंदगी में जो पहला एक रुपया कमाता है उसके लिए वो खुद मेहनत करता है, उसके बाद वो एक रुपया उससे मेहनत करवाता है ताकि वो और रुपयों को अपनी तरफ खींच सके। इंसान इंसान नहीं रह जाता, दौलत का गुलाम बन जाता है। जैसे जुआ खेलने वाला अपना घर बार और अपने बीवी बच्चों को भूल जाता है, वही हाल दौलत का पीछा करने वालों का होता है। अगर आपको मेरा काम करने का तरीका पसंद नहीं है तो मैं भी इस्तीफा दे सकता हूं, मगर आपकी खातिर मैं अपने असूल, अपना परिवार कुर्बान नहीं कर सकता। आप जा सकते हैं।
ये शान, ये दौलत, ये आराम, ये सब कुछ मुझे नहीं चाहिए। अपने दिल के किसी कोने में मुझे थोड़ी सी जगह दे दीजिए। अपनी शोहरत की खातिर, अपने घमंड की खातिर आप ये साबित करना चाहते हैं कि आप इस देश के सबसे बड़े आदमी। जितनी दौलत आपके पास है और किसके पास है? शांति, शांति, शांति। मेम साहब डॉक्टर के पास नर्सिंग होम में गई हूँ। इट्स ऑल राइट डॉक्टर, आप मुझे बता सकती हैं मुझे क्या हुआ है? मैं आपके पति से बात करना बेहतर समझती हूँ। बीमार तो मैं हूँ, आप मेरा ही इलाज करने वाली है, दवा भी मुझे ही देंगे। फिर मुझे बताने में हर्ज क्या है? कुछ बातें ऐसी हैं जिनके बारे में आपके पति ही फैसला कर सकते हैं। फैसला करने के लिए उनके पास वक्त नहीं है डॉक्टर। उनके पास जो वक्त है वो उनके बिजनेस के लिए काफी नहीं होता। वो कब आते हैं, कब जाते हैं, घर में कोई नहीं कह सकता। शांति, क्या वो तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या बात है डॉक्टर? आप एक मिनट मेरे साथ आइए, आप यहीं बैठिए। डॉक्टर ने क्या कहा? कुछ नहीं, मैं जल्दी मर जाऊंगी, यही ना? नहीं शांति। डॉक्टर मरीज का चेहरा देख उसका मर्ज पहचान लेता है और मरीज डॉक्टर के चेहरे के रंग देखकर अपनी हालत जान लेता है। डॉक्टर ने जब जिद की थी आपसे बात करने की, तभी मैं अपनी हालत के बारे में समझ गई थी। तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हेलो, हम बोल रहे हैं, सेवकराम को फोन देना। सेवकराम, हमारे टेबल पर एक विजिटिंग कार्ड पड़ा है, नाम है टॉम लैरी, उस पर उनका अमेरिका का एड्रेस और टेलीफोन नंबर लिखा है। फौरन अमेरिका कॉल बुक करो और ऑपरेटर से कहना कि कॉल हमें घर पर दे। तो सुनो, तुम्हारी मालकिन और हमारे अमेरिका जाने के लिए फॉरन वीजा का बंदोबस्त करो जितनी जल्दी हो सके। शांति, क्या हुआ शांति? मैं सोच रही थी मेरे लिए इस तरह बीमार होना भी खुशकिस्मती की बात है। नहीं शांति, ये तुम क्या कह रही हो? आज मैं बहुत खुश हूँ जी, आप मेरी खातिर खुद डॉक्टर के पास आए, मुझे अपने पास गाड़ी में बिठाकर घर तक लाए, फिर अपनी बाजुओं का सहारा देकर मुझे बिस्तर पे लिटाया
और अब आप अपने साथ मुझे अमेरिका ले जा रहे हैं। मुझे मुझे और क्या चाहिए? अब मुझे किसी इलाज की जरूरत नहीं है। शांति, ये खुशी मेरी बीमारी को दूर कर देगी जी। शांति, आज से तुम हमेशा हमारे साथ रहोगी, हमारे पास रहोगी। हम तुम्हें एक मिनट के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देंगे। शांति, सभी डॉक्टरों ने यही कहा, अगर हम दुनिया की सारी दौलत ले आए तो भी कुछ नहीं हो सकता। वो सिर्फ उतनी देर ही जी सकती है जितनी देर उसकी बीमारी उसे जीने की इजाजत दे। अगर वो मिर्च मसाले वाला खाना ना खाए, नमक ना खाए, तो शायद उसकी जिंदगी के कुछ दिन बढ़ सकते हैं। समझ में नहीं आता क्या करें। आज कुछ चटपटा खाने को हमारा बहुत जी कर रहा है। खान समय से कहो, खूब मिर्च मसाला डाल के मेरे लिए सूखे चने बनाए जी। मसाला भर के शिमला मिर्च बनाए, बैंगन बनाए। बहुत दिन से खाया नहीं ना। उसे तेल या घी में बनी हुई कोई चीज नहीं खानी चाहिए। हमारे लिए देसी घी की पूड़ियां बनवाओ और साथ ढेर सारा आम का अचार भी रखना। और मीठा? मीठा तो उसके लिए जहर है। और हाँ, हमारे लिए खीर जरूर बनवाना, बहुत सारी खीर। हाँ, क्या भूख लगी थी, इसलिए मैंने पहले खाना मंगवा लिया। शांति, अच्छा हुआ आप आ गए, साथ साथ खाना खाएंगे। शांति, शांति, तुम्हें तुम्हें ये सब कुछ नहीं खाना चाहिए। क्यों? खाऊंगी तो मर जाऊंगी, यही ना? शांति, शांति, जब तुम सब कुछ खा सकती थी तब हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, और आज सब कुछ है लेकिन तुम्हें खाने की इजाजत नहीं। मरना तो है ही, फिर क्यों ना खा के मरो। शांति, शांति, जब तक हम जिंदा हैं तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती। हमें पूरी उम्मीद है कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। शांति, तुम ये खाना मत खाओ प्लीज, हमारी खातिर। सिर्फ आज के दिन, आज के दिन खा लेने दीजिए, फिर मैं कभी नहीं मांगूंगी जी। नहीं शांति, प्लीज, मुन्ने की खातिर। जॉन। जी साहब। तुम मालकिन के लिए वो ले आओ। जी
इसमें कोई स्वाद नहीं है जी, थोड़ा नमक चाहिए। शांति समझ लो, इसमें नमक भी है, आम का अचार भी है, सूखे चने भी हैं, शिमला मिर्च भी है, मसाले वाले बैंगन भी है, खीर भी है। अब खा लो शांति। की डोली लुटी है
शांति शांति शांति। हमारा ये आलीशान महल, ये शान, हमारे लाखों रुपए तुम्हारी मां को एक पल के लिए भी जिंदा न रख सके। जो आदमी को एक पल की जिंदगी ना दे सके वो दौलत किस काम की? जो पति को पत्नी के साथ गुजारने का थोड़ा सा वक्त ना दे सके वो दौलत किस काम की? हम तुमसे पूछते हैं, क्या तुम्हें अपनी मां का प्यार मिला? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो मर चुकी है। वो क्यों मर चुकी है? क्योंकि हम सब कुछ भुलाकर दिन रात लाखों कमाने में लगे रहे। क्या तुम भी उसी रास्ते पर चलना चाहते हो जिस रास्ते पर चलकर हम आज तक पछता रहे हैं? क्या तुम भी वही गलती कर? रवि, मुझे मालूम था कि इसका अंजाम यही हो, इसलिए मैं शादी के लिए राजी नहीं था, लेकिन तुम दोनों ने जिद की, अब भुगतो। यूं बिगड़ने से क्या होगा, अब सोचो कि क्या करना है। वही जो ऐसी शादियों के बाद हमेशा होता है, डिवोर्स, तलाक। मनु, तुम मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके उसका तमाशा देखने आए हो? जैसा बाप वैसा बेटा, खून का असर इतनी आसानी से नहीं जाता। मुझे पता था कि एक दिन यही होगा। खैर, जो होना था सब हो गया, अब तुम निकल जाओ यहां से। मैं अपनी बीवी से मिलने आया। वो तुमसे बात नहीं करना चाहती, तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। ऐसे गेट आउट। मनु, क्या तुम भी यही चाहती हो? मिस्टर रविकांत, तुम्हारा आखिरी फैसला क्या है? जो ये चाहती है मुझे मंजूर है। मिसेस रविकांत, तुम्हारा आखिरी फैसला क्या है? जो ये चाहता है मुझे मंजूर है। इसका मतलब ये है कि तुम दोनों तलाक चाहते हो। ऑल राइट, तलाक मंजूर किया जाता है। ठहरिए। डैडी। कौन है आप? एक बदनसीब बाप, एक बदनसीब ससुर, जिसकी बहू और बेटा आपके सामने खड़े हैं। कागज के एक टुकड़े पर दस्तखत करने से शादी ब्याह का रिश्ता खत्म नहीं हो जाता, ये तो जन्म जन्म का रिश्ता है। क्यों बहू, तुम तो कहती थी कि तुम्हें रवि के दिलो दिमाग से प्यार, उस प्यार की खातिर तुम दुनिया से लड़ने के लिए तैयार थी। अब कहां गया वो प्यार? और तुम्हें भी बड़ा दावा था कि मनु के बगैर तुम जिंदा नहीं रह सकते। अब क्या हो गया? कहां गए वो दावे जिनके बलबूते पर तुमने शादी की थी? शादी के लफ्ज का मतलब समझते तो इस हालत पर ना पहुंचते। शादी का मतलब है विश्वास और प्यार से एक दूसरे को संपूर्ण बनाना, एक दूसरे की कमियों को अपनी खूबियों से ढांप लेना। शादी और ब्याह दो जिस्मों की टक्कर नहीं है, तो आत्माओं का मेल है। दुनिया के तमाम रिश्तों में पति पत्नी के रिश्ते को ज्यादा ऊंचा माना गया है, इसीलिए इसमें समस्या भी ज्यादा है। लेकिन उन्हीं समस्याओं का हल इसी रिश्ते के अंदर है। अहंकार अगर दो आत्माओं को अलग कर सकता है तो प्यार उन्हें एक भी कर सकता है। पति पत्नी के प्यार में ऐसी शक्ति है। चुप क्यों हो, बोलते क्यों नहीं तुम दोनों? लगता है तुम दोनों अपना अपना अहंकार छोड़ना नहीं चाहते। तुम दोनों तलाक लेने पर तुले हुए हो, जो जी में आया कर लेना, लेकिन लेकिन हमारे मरने के बाद हम अपने जीते जी अपनी आंखों के सामने ये कभी नहीं होने देंगे, कभी नहीं होने देंगे, कभी नहीं होने देंगे। डैडी, 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 क्या हुआ? क्या हुआ डैडी? क्या हुआ? तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पास खड़ी और तुम उससे दूर जाना चाहते हो, मगर हमारी पत्नी हमसे बहुत दूर है और उसके पास जाना चाहते हैं। हाँ मनु, जल्दी ले चलो।
माफ कर दीजिए डैडी।